हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो प्रीपोजिशंस होती क्या है? ठीक है, प्रीपोजिशन होती क्या है? प्रीपोजिशन इज यूज टू शो द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। यानी कि एक प्रीपोजिशन है वो क्या दिखाती है हमें कि उसकी रिलेशनशिप यानी कि उसका संबंध कैसा है। ठीक है, एक नाउन या प्रोनाउन के साथ। नाउन कौन कौन से होते हैं? किसी का भी नेम होता है, ज़्यादातर हम उसमें नेम ही ले लेते हैं। ठीक है, वो किसी कैटेगरी का भी हो सकता है, किसी वैसा भी नाम होता है। उसका क्या रिलेशन है नाउन के साथ? प्रोनाउन होते हैं, नाउन की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो उनके साथ उसका रिलेशन क्या है? टू अनोदर वर्ड, दूसरे वर्ड के साथ। इन द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के अंदर। हियर आर सम कॉमन प्रीपोजिशंस, यहाँ कुछ कॉमन प्रीपोजिशन दी हुई है जो हमें वर्ड्स में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, अबाउट, अबोव, आफ्टर, एट, बिहाइंड, बिलो, बिटवीन, डाउन, ड्यूरिंग, फोर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, ऑफ, फिर ये ओ डेवलप है। ठीक है, ये भी ऑफ ही बोला जाता है। ऑन, थ्रो, टू, अंडर, विद, जितर हम विद, टू, फ्रॉम, ये जब बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास। ठीक है, फोर, इन, ये ऑन, ये बहुत ज़्यादा यूज में आती है। ठीक है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है, इज मेड ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन से ही बना होता है। जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, फ्रेज होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता, छोटा दो चार वर्ड होते हैं जिसका मीनिंगफुल होता है, लेकिन वो इट्स ऑब्जेक्ट एंड ऑल द वर्ड्स इन बिटवीन, इसका ऑब्जेक्ट और इसके सभी, ऑल द वर्ड्स इन बिटवीन और इसके बीच में जो वर्ड्स हैं वो सभी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज द प्रीपोजिशन। और जो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? इज द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन होता है, दैट फॉलोज द, जो प्रीपोजिशन को फॉलो करता है। ठीक है, इनको उसका अनुसरण करते हैं। द पायरेट्स बरीड देयर ट्रेजर अंडर ए ट्री। ठीक है, अंडर है वो प्रीपोजिशन है, पहले हमने पढ़ लिया ना उसके अंदर, ये जो प्रीपोजिशन हमें दे रखी है वो अंडर है इसके अंदर, आप पढ़ के देखना। ठीक है, तो ये अंडर है वो प्रीपोजिशन है, हमें ये पहले ही याद होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन है और ट्री है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई किक द बॉल बिटवीन द गोल पोस्ट, प्रीपोजिशन बिटवीन है और इसका ये ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं थोड़े से, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन थोड़ा एग्जाम्पल दे के बता रखा है। इन द फ्रंट ऑफ केक, एट द पार्क, डाउन द हिल, अक्रॉस द स्ट्रीट, अंडर द ब्रिज, फ्रॉम माई बिग ब्रदर, बिहाइंड द काउंटर, आफ्टर स्कूल, फॉर ब्रेकफास्ट, ऑफ द ट्री, ड्यूरिंग समर वेकेशन। एडजेक्टिव फ्रेजेज, टेल, ये तो थे हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये अब ये इसको एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बता रहा है। ये एडजेक्टिव फ्रेजेस टेल व्हाट काइंड और विच काइंड, ये हमें बताते हैं कि किस किस प्रकार के और कौन से। ठीक है, सी लिव्स इन ए हाउस विद ए रेड डोर, ठीक है, वो किस प्रकार का घर था, रेड डोर क्या प्रकार था उसका। ठीक है, व्हाट काइंड, द बॉय इन द बैक सीट वाज येलिंग लाउडली, विच वन, कौन सा। ठीक है, एडवर्बल फ्रेजेस होते हैं, टेल हाउ व्हेन और वेयर, टेल द स्टोरी इन योर ओवन वर्ड्स, हाउ। ठीक है, मिस्टर राज जोक्स इन द आफ्टरनून, ये है वैन, सी रेन बिहाइंड द हाउस, ये है वेयर। ठीक है, बस इतना ही था, रुको रे।